नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूं आपको, मारुति सुजुकी ने लॉन्च कर दी है अपनी नई डिजायर कार। हाँ दोस्तों, आप इसकी फ़ीचर और प्राइस के बारे में जानिए कि इसकी फ़ीचर्स क्या क्या होंगे इसमें और इसकी प्राइस किस किस प्राइस में ये आपको अवेलेबल है, इसके बारे में हम बात करें। इससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि दोस्तों, जो इंडिया की नंबर वन कंपनी है मारुति सुजुकी, जो अपने नए वेरिएंट में इसको पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में लेके आई है न्यू कार को, इसका लुक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समय से ये इसको मांग हो रही थी इस कार की। तो दोस्तों, मैं आपको इसके फीचर और प्राइस के बारे में बता देता हूँ। इसके जो नया वर्जन लॉन्च किया है, इसकी कीमत 5,45,000 से 9,41,000 के बीच में जो दिल्ली की एक शोरूम रेट है वो रखी गई है, और इसको हम 11,000 रुपये देकर इस कार को बुक करा सकते हैं। और अब तक इसको कंपनी ने कहा है कि इसमें 33,000 बुकिंग ऑलरेडी इस कंपनी को मिल चुकी है, और इसमें जो इसका माइलेज है डिजायर कार का, वो मैं आपको बता दूं कि 28.4 KMPL तो डीजल वेरिएंट में है और 22 KMPL माइलेज पेट्रोल वेरिएंट में है। तो दोस्तों, इसकी जो वेरिएंट है, मैं उनकी एक बार अलग अलग पहले आपको मैं प्राइस बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको फीचर बता दूंगा। मैं जो आपको प्राइस बताने जा रहा हूं, मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर पे अलग अलग इन पे सर्च किए हैं, लेकिन जो दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर है उसने सही हिसाब से जो ये मैनुअल और पेट्रोल की कीमत वो डाल रखी है, तो मैं उसके अनुसार आपको कीमत बता रहा हूं। इसमें मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी अपनी बनाई हुई कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जो पेट्रोल मैनुअल है उसके अंदर आपको जो LXi इसका मॉडल है, पहले मैं पेट्रोल मैनुअल के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों आपसे, जो इसमें LXi मॉडल है उसकी रेट 5,45 के आसपास है, और जो VXi मॉडल है उसकी रेट 6,29 के आसपास है, और ZXi का जो मॉडल है उसकी रेट 7.05 लाख है, और जो ZXi प्लस है उसकी रेट है 7.94 लाख रुपए। हाँ दोस्तों, ये तो है। और पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करें तो इसमें VXi मॉडल की रेट है 6.76 लाख, और ZXi की कीमत है 7.52 लाख, और ZXi प्लस की कीमत है 8.41 लाख। अगर हम डीजल मैनुअल की बात करें तो LDI की कीमत है 6.45 लाख, और VDI की कीमत है 7.29 लाख, और JDI की कीमत है 8.05 लाख, और JDI प्लस की कीमत है 8.94 लाख। और अगर हम डीजल में ऑटोमेटिक की बात करें तो VDI की कीमत है 7.76, JDI की कीमत है 8.52, और JDI प्लस की कीमत है 9.41 लाख रुपये। हाँ दोस्तों, और ये तो थी इनके कीमत के बारे में, और अब इसके जो इसमें जो लुक दिया, अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो नई डिजाइन में जो आपको 1.2K सीरीज का पेट्रोल इंजन दिया गया है, और 1.3 लीटर का जो DTIS डीजल इंजन दिया गया है इसमें। इसमें आपको दोनों ही वेरिएंटों में ऑटो गियर भी मिलेंगे दोस्तों, और शिफ्ट ट्रांसमिशन भी इसके अंदर रहेंगे। और आपको ये बता दूं कि जो ये इंजन है ये 84 BHP पावर का है पेट्रोल के अंदर, और जो 114 Nm पेट्रोल को टॉर्क देता है। हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको जो इसका इंटीरियर के बारे में बता देता हूँ कि इसका डैशबोर्ड और जो स्टीयरिंग है और व्हील पर काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है इसकी। पहले जो डिजायर आई थी उससे ये डिजायर काफ़ी हल्की भी है, और इनकी जो लाइटें हैं, हेडलाइटें हैं, फ्रंट ग्रिल है, ये भी बहुत इसकी शार्प बॉडी से काफ़ी लुक मैच करता है। और इसकी सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसके अंदर डिजायर के अंदर सभी वेरिएंट के अंदर ड्यूल एयरबैग और ABS और EBD है दोस्तों। जो इंटरनेशनल सेफ्टी जो स्टैंडर्ड है, जो ISO FIX का जो चाइल्ड रिस्टेट सेफ्टी सिस्टम सभी वेरिएंट में है। तो दोस्तों, ये गाड़ी एक तरह से ख़रीदने के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ये कि फैमिली गाड़ी है, तो आप इसको फैमिली गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।